So as we have already started the topic and we have done some of the questions, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेने वाला हूँ कि जो मुझे लगता है कि एक बार हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ये हमें बोला गया है 12 men and 16 men कैन डू ए पिज्जा वर्क इन 5 days। "12 men and 16 boys can do a piece of work in 5 days, and then we are having given 13 men in 4 days. Now, if you see here, these men and days are not same, boys and boys are not same. तो ये कहीं पर भी कुछ भी इक्वेलिटी नहीं ला रहे हैं, तो हम लोग इसको इक्वेलिटी पे लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे? लेट्स सी दैट 12 men plus 16 boys कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days। तो अब ध्यान से ये बात समझिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कि भाई अगर हमारे पास हम लोग दोनों के नंबर ऑफ मैन को सेम कर दें, जो ऐसे पॉसिबल नहीं हो रहा बिकॉज 12 men and 13 men है, यहाँ पे 16 boys and 24 boys हैं, बट हम सबके ना डेज को सेम कर सकते हैं अगर हम इनका वन डे वर्क चेक कर लें या वन डे में देखें। हम लोगों ने पढ़ा था कि इफ नंबर ऑफ पर्सन चेंजेस इन द रेशियो ए इज टू बी देन नंबर ऑफ डेज चेंजेस इन द रेशियो बी इज टू ए, ऐसा हमने पढ़ा था। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो हम उसी चीज की हेल्प लेंगे। हम कहेंगे 5 times this group can do the work in 1 day, because हमने क्या किया, हमने नंबर ऑफ पर्संस को 1:5 के रेशियो में चेंज किया एंड हमारे पास नंबर ऑफ डेज 5:1 की रेशियो में चेंज हो गए। एंड आल्सो 4 times दिस ग्रुप, अगर हम सेकंड केस की बात करें, can also do the work in 1 day. Right? Now if you see here, अगर आप इन दोनों चीजों को देखें तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा कि अब ये दोनों लोग सेम लेवल पे आ गए बिकॉज दे बोथ द ग्रुप्स 5 times दिस ग्रुप एंड 4 times सेकेंड ग्रुप कैन डू द वर्क इन 1 day. नो वी कैन इक्वेट देम। सो हम कह सकते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ द फर्स्ट ग्रुप नाउ 12 men plus 16 boys is same as the efficiency of second group 13 men plus 24 boys. So this will be 16 men plus 80 boys, and that is equals to 52 men plus 96 boys. अब हम मैन वाले लोग एक तरफ करेंगे तो याद आएगा 60 men minus 52 men इज इक्वल्स टू 96 boys minus 80 boys, एंड वी सी डेट 8 men इज इक्वल्स टू 8, तो स्टेथोस्कोप जैसा बन गया, 8 men इज इक्वल्स टू 16 boys, और दिस गिव्स अस 1 man is equals to 2 boys. Right? अब 1 man is equals to 2 boys हम लोगों को मिल गया यहाँ पे। If you see, so we have got 1 man is equals to 2 boys. अब क्वेश्चन जो हमारे पास पूछा था इसमें there was a question. The question was asked, find the daily work done by a मैन टू डेट डन बाई अ बॉय। तो हमारे पास मैन इज टू बॉय का रेशो हमें फाइंड आउट करना है। देयर एफिशिएंसी आर इन द रेशो 2:1, तो यही हमसे पूछा गया था। तो हम लोगों ने जो मेन इंपॉर्टेंट चीज देखी वो यही देखी कि हम लोगों के पास दोनों की एफिशिएंसी को सेम किया हम लोगों ने, और एफिशिएंसी को सेम करने के बाद इक्वेट कर दिया, राइट। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 19 है। ये दिया गया हमारे पास 8 children and 12 men complete a certain work in 9 days. Each child take twice the time taken by a man. In how many days will the 12 men finish the work? Okay, very simple it is. इसने already हम लोगों को क्या दिया हुआ है? Each child take twice the time taken by a man. इसका मतलब 1 man is equals to 2 children. 1 man is equals to 2 children. Now, if you see here, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर हम बात करें 8 men plus 12 children कैन फिनिश ए वर्क, नहीं उल्टा है ये, 12 men plus 8 children कैन फिनिश अ वर्क इन 9 days. अब देखिए हमारे पास है 12 men और 1 man is equals to 2 children या 2 children is equals to 1 man, तो हम इसको लिखेंगे 8 children is equals to 4 men कैन डू द वर्क इन 9 days, यानी 16 men कैन फिनिश द वर्क इन 9 days. 16 men कैन डू द वर्क इन 9 days और ये हमसे पूछता है कि 12 men कैन डू द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज, तो हमसे 12 men के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, M1D1 is equals to M2D2, यानी हमारे पास से बन जाएगा 16 men का 9 days का वर्क इज सेम एज 12 men का D2 days का वर्क। बस सिंपली इतनी सी बात आ जाएगी, 12 into D2 and this help us to find out the D2. D2 is 16 into 9 upon 12. 4 4s are 16, 4 3s are 12, 3 3s are 9, and that is equals to 12 days. दिस इज द आंसर फॉर अस। तो ये दो क्वेश्चंस जो थे ये हम लोगों ने अलग अलग मतलब सेम चीज को एक तरह से लेके चल रहा था और हमने इसको कंबाइन किया। जस्ट गो थ्रू इट, अगर नहीं समझ आया तो बताइए, अदरवाइज वी विल गो फॉर अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, हम कहते हैं ए कैन डू अ वर्क in 9 days and B can do the same work in 12 days. How long would they take to finish the work working alternately? Starting with A. अब ध्यान से देखिएगा इसको। हमारे पास क्या है, as they are working on alternate days, तो हम लोग इसको लिखेंगे देयर टू डेज वर्क, बिकॉज जो काम वो इकट्ठे कर सकते थे एक दिन में, अब क्योंकि अलग अलग दिन काम कर रहे हैं, ऑल्टरनेट डेज, पहले दिन ए, फिर दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, अगर हम ऐसे बात करें तो इनका वन डे वर्क क्या आ जाएगा, सॉरी 2 डेज वर्क आ जाएगा 1/9 प्लस 1/12। दिस इज 4/3, 4 + 3/36 और इक्वल्स टू 7/36। नो दे वर्क फॉर दीज मेनी डेज, एंड हमारे पास ये बोलता है कि 7/36 है, ठीक, तो ये हर 2 दिन में 7/36 काम कर रहे हैं। इस तरह से ये हर 2 दिनों में 7/36 काम कर रहे हैं, राइट। थोड़ा ध्यान से देखना इसको, और इस तरह से ये अगर हम बात करें तो ऐसे ये हर 2 दिन में 7/36 वर्क करेंगे, हर 2 दिनों में। यानी ऐसे करते करते देखिए टोटल वर्क कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये हर 2 दिनों में, द इम्पोर्टेंट थिंग इज हर 2 दिनों में ये 7/36 वर्क करेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो चलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। नेक्स्ट 2 दिनों में ये फिर 7/36 काम करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 दिनों में फिर ये 7/36 काम करेंगे, नेक्स्ट 2 दिनों में ये फिर से 7/36 काम करेंगे, राइट। एंड ऐसे ऐसे करते करते अब देखें पहले 2 दिनों में 7/36, नेक्स्ट 2 दिनों में 7/36, फिर नेक्स्ट दिनों में 7/36, देन नेक्स्ट दिनों में 7/36, एंड देन फिर नेक्स्ट डेज में 7/36। तो टोटल अभी तक इन्होंने 35/36 काम कर लिया। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट 7/36 इसमें ऐड करता हूं, अगर करता हूं तो ये 42/36 हो जाएगा। अब 42/36 इज ग्रेटर देन 1, जो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वर्क जो है इट शुडंट बी ग्रेटर देन 1, टोटल वर्क हैज टू बी इक्वल टू 1। तो हम इसमें ये जो ये बात है, हम इस तरह से कहेंगे कि हर 5 दिनों में, हर 2 दिनों में ये 7/36 काम कर रहे हैं। ऐसा इन्होंने 5 बार काम किया और इन्होंने 35/36 वर्क किया। यानी ये जो पूरी चीज मैंने यहाँ पे लिखी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था कि हर 2 दिनों में 7/36, और ऐसा ये मैक्सिमम 5 टाइम्स कर सकता है, ऐसा ये मैक्सिमम 5 टाइम कर सकता है, ठीक है जी। लेट्स सी जी, अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये 5 बार अगर ऐसा काम करता है तो टोटल 35/36 वर्क करता है। नाउ अंडरस्टैंड द थिंग। लेकिन ये जो 5 हमने लिखा, ये 5 पेयर ऑफ डेज को डिपिक्ट कर रहा है, मतलब 10 दिनों में इसने इतना काम किया। कितना काम किया? 10 दिनों में। नाउ लेट अस सी फर्दर कि हम कह सकते हैं कि इन 10 days the work done is 35/36. Remaining work, one minus 35/36. That is 1/36. And now, अभी बारी किसकी है? अब 11th day. On 11th day, it's A's turn. And he can do 1/36 work in 9 into 1/36. So this gives us 1/4. So total days हमारे पास क्या आ गए? 10 1/4 days. तो ये हमारे पास अभी तक 10 1/4 days is the आंसर फॉर अस. ठीक है, तो ये हो गया एक तरीका इसको करने का. हम लोग दोबारा से देखते हैं. हमने पहले देखा कि 2 days में कितना काम किया. 2 days में उन दोनों ने मिलकर 7/36 वर्क किया. इस तरह से उन्होंने 5 times इस तरह से वर्क किया, तो दे हैव डन 35/36 वर्क. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क दे हैव डन. बट इन हाउ मेनी डेज? 5 pairs ऑफ डेज. दैट इज 5 pair ऑफ डेज की बात करेंगे तो 10 days. रिमेनिंग वर्क क्या रहा? रिमेनिंग वर्क रहा 1 minus 35/36, which is 1/36. और ये 1/36 वर्क जो है they have done it in, यानी अब बारी किसकी थी? 11 डे. इट वॉज A's turn. और A एक काम 9 days में करता है, तो 1/36 वर्क 9 into 1/36 में करेगा. डेट इज 1/4 डेज में करेगा. तो 10 दिन का काम पहले हुआ और 1/4 डेज का काम बाद में हुआ, तो 10 1/4 डेज. अब इसी को ही हम लोग एक और दूसरे तरीके से देखते हैं, जैसे हम लोग करते थे. चलिए, A का 1 day वर्क इज, A कैन डू द वर्क इन 9 days, B कैन डू द वर्क इन 12 days, एंड दे हैव टू डू 36 वर्क्स. राइट. 1 day वर्क की अगर इनकी बात करेंगे तो A कैन डू 4 works in a day या 4 toys इन अ डे. हम टॉयज की शेप में हमेशा बात करते थे. एंड B कैन मेक 3 toys इन अ डे. सो दे कैन मेक टोटल 7 toys इन 2 days, बिकॉज दे आर वर्किंग ऑल्टरनेटली. दे आर मेकिंग 7 toys इन 2 days, जैसे हम लोग हमेशा बात करते हैं, क्योंकि ये ऑल्टरनेटली काम कर रहे हैं. और इस तरह से ये 7 ऐसा 5 बार अगर ये करें, 5 times इसको इस तरह से लेके चलें, तो दे कैन मेक 35 toys इन 35 toys इन 10 days. है ना जी? ये ऐसे हो जाएगा, फिर हमें लंबी बात करनी नहीं पड़ेगी. रिमेनिंग वर्क इज ऑफ 1 toy. अगर आप देखें, सामने सामने दिख रहा है 35 toys बन गए, तो रिमेनिंग वर्क इज ऑफ 1 toy. और अब वारी किसकी है? वारी है A की. A एक दिन में 4 toys बनाता है, तो टू मेक 1 toy A would take 1/4 day. तो आंसर फिर से हमारे पास 10 1/4 डेज आया. तो आपके पास बच्चे दोनों मेथड्स अवेलेबल हैं. आपको जो सा मेथड अच्छा लगता है आप उसको कर सकते हैं. सो वी हैव सीन दैट वेजेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड in the ratio of their efficiency, और efficiency and days are always inversely proportional. तो हमें days given होंगे क्वेश्चन में, तो हम वहां से एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो एफिशिएंसी की रेशियो रहेगी वही वेजेस की रेशियो में रहेगी। और यही हमने इस नेक्स्ट एग्जांपल में भी चेक किया कि टोटल जो पेमेंट था वो कॉन्ट्रैक्ट जो था वो 30,000 का था, और हमें ए के नंबर ऑफ डेज गिवन थे 10, बी के नंबर ऑफ डेज गिवन थे 15, और फिर हमने यहाँ से उन दोनों के डेज को लिया, डेज से हमने एफिशिएंसी फाइंड आउट की विच इज ऑलवेज इनवर्स रेशियो। और कोशिश यही करनी कि पहले इसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल टर्म्स में लेके आना, जैसे मैंने 3:2 की रेशियो में पहले लेके आया, तो वेजेस का भी रेशियो सेम रहेगा। एंड देन सिंपली यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द गिवन अमाउंट इन द रेशियो 3:2 बिटवीन ए एंड बी। अब इस केस में ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा लोग हों, या क्वेश्चन को एक दूसरी तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है जी। तो अब जैसा भी हमारे पास है, एक छोटी सी चीज इसमें और बताना चाहूंगा कि अगर सपोज मेरे पास 3 लोग होते, A is to B is to C, एंड उनकी डेज की रेशियो लेट से मेरे पास होती 6:9:12, तो एफिशिएंसी की रेशियो 1/6:1/9:1/12 हो जाएगा। आप चाहें तो इसको पहले 2 and 4 तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4 = 12 / 2। देखिए अब क्या होता है, जब हम लोग इसकी रेशियो निकालते हैं तो मैंने आपको समझाया था कि ए के लिए हम लोग बी और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, बी के लिए ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, और सी के लिए ए और बी को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी 3/4 = 12, देन 2 × 4 = 8, एंड देन 2 × 3 = 6। इसको और छोटा कर दीजिए, ये आपके पास बन जाएगा 6:4:3। तो यहां से हमारे पास एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, एंड दिस इज द रेशियो ऑफ वेजेस आल्सो। सो ये आ जाएगा 6:4:3। तो मेन जो है हमने ध्यान देना है वो किसका, वो देना है हम लोगों ने इनवर्स रेशियो का। तो यहाँ पे हम लोग हमेशा इनवर्स रेशियो के ऊपर ही बात करेंगे, राइट। तो आज हम इसको इतना तक ही रखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पुराना पहले ये पेंडिंग वर्क सारा कर लीजिए, सो दैट वी कैन मूव स्मूथली फॉर द नेक्स्ट पार्ट। तो जो भी आज हमने कंसेप्ट पढ़े हैं, काइंडली गो थ्रू इट वंस, बिकॉज दीज वर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच वी हैव डन टुडे। तो आप इसको अच्छे से देखें, करें, एंड देन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में आगे चलते हैं। तो आज इतने रखते हैं, फिर मुलाकात करेंगे आपसे। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जी बोले सर, एक बार ये 12:8:6 क्वेश्चन, हाँ मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जब भी हम इसकी बात करते हैं, देखिए जब दो चीजों को इनवर्स रेशियो में लिया जाता है, फॉर एग्जांपल अगर A is to B मेरे पास 3:4 है, तो इसका इनवर्स रेशियो IR मतलब इनवर्स रेशियो वो हम लिख सकते हैं 1/3 / 1/4, और फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है इसकी आपस में, लाइक दिस एंड इट बिकम्स 4:3। ये तो सिंपली आ जाएगा 3:4 का इनवर्स रेशियो 4:3। लेकिन जब हम बात करते हैं A is to B is to C, 3 लोगों की बात करते हैं, तो मैंने आपको ये चीज बताई हुई है, कोई भी हम लोग ले लें, लेट्स से 3:4:5 ही अब ले लेते हैं, तो इसका इनवर्स रेशियो आ जाएगा 1/3 / 1/4 / 1/5। इस केस में हम लोग क्या लेते हैं, 3 को छोड़ दें अगर, तो हम लोग इसको A के नीचे 4 × 5 लिख देते हैं, यानी B × C लिख देते हैं। B को छोड़ दें तो B के नीचे A × C लिखते हैं, 3 × 5, एंड C को छोड़ दें तो C के नीचे हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 4 ए इंटू बी, तो यहाँ पे बन जाएगा 20:15:12। यही चीज हम लोगों ने पीछे भी किया, इट वॉज 1/6, 1/9, 1/12। पहले हमने इसको छोटा कर दिया तो इट बिकम्स 1/2:1/3:1/4 एंड दिस बिकम्स 2 को छोड़ दीजिए तो 3 इंटू 4 इज 12। फिर नेक्स्ट आ जाएगा 3 को छोड़ दें तो 2 इंटू 4 इज 8 और इसको छोड़ दें तो 2 इंटू 3 इज 6, राइट। एंड दिस बिकम्स, अगर आप देखें तो 12:8:6 और इसको हमने फिर से शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इट विल बी 6:4:3। तो हम इसको हमेशा इसी तरह से लिखे चलेंगे। जी बोलें प्लीज सर। ये डेज और इफिशिएंसी उल्टा होता है ना, हमेशा ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप ज्यादा दिनों में काम खत्म करेंगे इसका मतलब आप लेस एफिशिएंट हैं, और अगर आप कम दिनों में काम खत्म करेंगे तो इसका मतलब आप ज्यादा एफिशिएंट है। तो दे आर ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। इस केस में वेजेस भी 6:4:3 आएगा ना, वेजेस। हाँ, वेजेस का रेशियो 6:4:3 रहेगा जी। जो हमारे पास रेशियो बनेगा हमारे पास एफिशिएंसी का, वही रेशियो हमारा वेजेस का बनेगा। यस। एनीथिंग एल्स? यहाँ पे भी फाइंड द शेयर ऑफ ईच आ सकता है ना? बिल्कुल आ सकता है, एनीथिंग कुड कम। We'll do some more questions in the next session, so you'll be able to understand the things properly, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, then bye for today. Then God bless you all. Take care of yourself. Do the practice. Finish the whatever is left over. So see you in the next session. Bye bye and Jai Hind. Bye bye, sir. Jai Hind, sir. Jai Hind, sir.